मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जस्ट यस कर लीजिए। मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो यस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच महेश गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच आदित्य, संजीव और यहाँ उपस्थित हर इंसान को संतोष नायर का प्रणाम। और आज का दिन आपके जिंदगी में और मेरे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज धंधे के जो उसूल है वो बदलते जा रहे हैं, धंधा बदलता जा रहा है। धंधा करना इम्पोर्टेंट है लेकिन धंधा करने के तरीके बदल रहे हैं। और खास करके एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के तारीख में सब लोग फेस कर रहे हैं वो है कलेक्शन। पैसा मार्केट से उठाना मुश्किल होता जा रहा है। एडवांस में पैसा लेने की कलाकारी शायद हम से कईयों को नहीं मालूम, एंड देयरफॉर हम ये सब चीजों से जूझ रहे हैं। आज का टॉपिक है द कलेक्शन ट्रैप, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कलेक्शन कलेक्ट करना, पैसा कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता जा रहा है, चैलेंजिंग होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है, टाइम बहुत इन्वेस्ट किया जा रहा है, कस्टमर के अनेक बहाने आ रहे हैं और जो वादा करते हैं वो वादे को मुखर जाते हैं और वादा किया हुआ चीजों को नहीं मिल रहा है, पैसे टाइम पे नहीं मिल रहा है, पैसे उधार पे उधार दिया जा रहा है और पैसे टाइम पे नहीं मिल रहा है। डू यू ऑल एग्री विथ मी? अगर आप एग्री करते हो तो यस बोलिए। अगर आप एग्री करते हैं तो यस बोलिए। चैट बॉक्स के अंदर आपको यस बोलना है। आई बिलीव द चैट बॉक्स हैज टू बी केप्ट अलाइव, यू नो, एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। उमेश जी बोल रहे हैं यस सर, यू नो, अमित पंडित बोल रहे हैं, सुनील जी बोल रहे हैं, सभी लोग एक साथ होके बोल रहे हैं कि यस 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 यस। तो बहुत ही स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस प्रोग्राम में। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं कि जहां जाते हैं वहां थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता हूं। थंडरबोल्ट का मतलब है कि बादल और बिजली जब दोनों साथ में आके खड़कती है उसको थंडरबोल्ट बोलते हैं, ऐसे नाम से भी मेरे को जाना जाता है। मुझे खुशी है बताते हुए कि 200 टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज को मैंने टॉप से बॉटम तक ट्रेन किया है। इंडिया के और वर्ल्ड के सबसे बढ़िया 25 इंश्योरेंस कंपनी को मैंने ट्रेन और गाइड किया है, और दुनिया के बेहतरीन 100 MLM कंपनीज को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो अगर आप देखेंगे एशियन पेंट्स का हर सेल्स का बंदा हमने उसको ट्रेन किया है। सेन गोबेन जो दुनिया के सबसे बड़ी ग्लास कंपनी है उसके जितने भी डीलर्स हैं उसको हम लोगों ने ट्रेन किया है। कोको कोला के जितने भी ट्रक को चलाने वाले रूट एजेंट्स हैं उसको, और वोडाफोन के जितने भी सेल्स के बंदे हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मार्केटिंग CEO, इन सबको हमने ट्रेन किया है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया है, सेल्स के ऊपर, सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर, सेल्स लीडरशिप के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर, ऐसे अनगिनत चीजों के ऊपर इन लोगों के साथ हमने काम किया है। मुझे याद आता है, माय डियर फ्रेंड्स, कि टाटा हाउसिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया लेकिन माल बिक नहीं रहा है और बिका हुआ माल पे कलेक्शन नहीं हो रहा है। मुझे याद आया हुआ है सोडेक्सो पास बोल के कंपनी, जहां पर सेल्स नहीं होती थी, $15 बिलियन के फ्रेंच कॉन्ग्लोमेरेट है, वहां सेल नहीं हो रहा था और सेल होने के बाद जो लोगों से पैसे मिलना था वो नहीं आ रहा है। सिग्नोर बोल के वर्ल्ड का नंबर 1 पैकेजिंग कंपनी के साथ मैंने काम किया है, सेल्स मैनेजमेंट कलेक्शन के ऊपर हमने काम किया है। और हर वो कंपनी के साथ मैंने काम किया है जहां पर सेल्स का चैलेंज है, कलेक्शन का चैलेंज है। और सबसे बढ़िया बात, मैं 15,000 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर चुका हूं, 15,000 मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर चुका हूं। अगर आप देखेंगे एक्सिस बोल के, ये जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी 25 करोड़ पे थी, 25 करोड़ पे थी 25 साल में, और वो 2 साल में 100 करोड़ के तरफ निकल गई। गिरधारी होम्स बोल के कंपनी में कलेक्शन का बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था, हमने बहुत सारे ऑडियोस और वीडियोस उनको दिया, 100 वीडियोस उसको देखने के बाद और उनके टीम मेंबर्स को देखने के बाद गिरधारी होम्स के इंद्रसेन रेड्डी, और उन्होंने हमारे 2 साल का प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करने के बाद उनका भी टर्नओवर फ्रॉम 25 करोड़ to 100 करोड़ हो गए। 25 साल में 25 करोड़ करने वाला ये कंपनी 100 करोड़ में 2 साल में पहुंच गया। वॉल प्लस बोल के ये जो कंपनी है,
मुझे याद है जीतो बोल के एक फंक्शन में बाप बेटे अशोक मेहता और कौशल मेहता दोनों बाप बेटे आए थे। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार में मैं 4 घंटे का टॉक देने के बाद जब मैं गाड़ी की तरफ निकला तो दोनों बाप बेटे मेरे पीछे पीछे भाग के आए और उन्होंने कहा, नायर साहब आपने अंदर जो भी कहा 4 घंटे हम समझ गए, हमें भी आगे बढ़ना है। हमारी टर्नओवर 35 साल हो गए, हमारा 45 करोड़ है, 35 साल हो गए हमारा 45 करोड़ है। और मैं गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं 2008 में बाप बेटे ने हमारे एंटरप्रेन्योर गुरुकुल प्रोग्राम में ज्वाइन किया, एक प्रोग्राम किया, दूसरा प्रोग्राम किया, उसके बाद इकोसिस्टम गुरुकुल बोल के एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया, उसके बाद उन्होंने निर्वाणा गुरुकुल, उन्होंने सेल्स के सारे प्रोग्राम किए, कलेक्शन के सारे प्रोग्राम किए, बड़े कंपनियों में जाके माल कैसे बेचना, की अकाउंट्स मैनेजमेंट, ये पूरा सब कुछ करने के बाद मुझे खुशी है बताते हुए कि 12 साल में ये कंपनी जो 35 साल से 45 करोड़ में था, पिछले 12 साल में 851 करोड़ पे ये कंपनियां पहुंच चुकी है। मैंने 20 लाख लोगों को ट्रेन किया है और मिलियंस ऑफ आदमी लोगों को इंस्पायर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये है दीपक धाबलिया जो महीने का 15 लाख रुपया कमाता है, LIC का एजेंट है, 20 लाख एजेंट है आज LIC में, उसमें नंबर 5 में इसका नंबर लगता है। और पिछले 25 साल से ये हमारा हर वीडियो, हर सेल्स का प्रोग्राम, मार्केटिंग का प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम को ये देखता है। और ये एक जमाने में रिबेट देने वाला एजेंट था, यानी 100 रुपया अगर कमीशन मिलता है तो 50 रुपया कस्टमर को वापिस देने वाला, रिबेट देने वाला आज का ये एजेंट 15 लाख रुपए महीने का बनाता है। इसको भी हमने सेल्स और कलेक्शन की कलाकारी सिखाई। ये है निखिल नायक जो CNBC टीवी 18 के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर है, 1,500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज करते हैं, छोटा सा एक झुग्गी झोपड़ी टाइप एक फैक्ट्री ऑफिस में बैठता था, और उसके बाद जब वो हमारे साथ जुड़ा आज वर्ल्ड का टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका है। जयदीप काशीकर 2,500 करोड़ रुपया का एसेट अंडर मैनेज है, और कंपटीशन में जो है भाव जो है कस्टमर का होता है और मार्केट का होता है, और जब आप ब्लू ओशन में जाते हैं पूरा गेम बदल जाता है। अच्छी अच्छी बहुत ही सुंदर वीडियो सेल्स के ऊपर, वीडियो योर प्राइस इज राइट बोल के जो राइट साइड का वीडियो है, हमारे भाव पे कैसे बेचना है और कलेक्शन कैसे करना है ये हमने सिखाया है इन वीडियोस में। मिस्टेक्स जो करते हैं एंटरप्रेन्योर सेल्स में, ये सभी चीजें बताया हुआ है। बड़े कंपनियों में जाके माल कैसे बेचते हैं, की अकाउंट्स मैनेजमेंट, और अलग अलग मल्टीप्लायर सीरीज, ग्रोथ मल्टीप्लायर, परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जबरदस्त तरीके के वीडियोस हमने बनाए हैं, MLM के इंडस्ट्री में तहलका मचा देने वाले कई वीडियोस को हम लोगों ने बनाया है। 4-4, 5-5 घंटे के ये वीडियो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया एज एन ऑथर, मैंने किताब लिखी और मेरा पहला किताब था 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन, जिंदगी को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। मेरी दूसरी किताब जो थोड़े दिन पहले निकली CNBC टीवी 18 बेस्ट सेलर 18 में आया हुआ है, Why do entrepreneurs miss the bus? एक entrepreneur धंधे वाला बस क्यों मिस कर देता है? ये बहुत ही सुंदर बात मैंने बताई है इन वीडियोस में और इन किताबों में। 37 साल का मेरा ये जर्नी रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 37 इयर्स में सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग मेरे को नंबर वन सेल्स गुरु मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी में डोर टू डोर सेल्समैन करके मैंने काम चालू किया था। मैं इंडिया का नंबर वन सेल्समैन बना, नंबर वन ग्रुप लीडर बना, नंबर वन सुपरवाइजर बना, नंबर वन ब्रांच मैनेजर बना, 10 प्रमोशन मिले मुझे 8 साल में, और उस कंपनी का सबसे यंगेस्ट, फास्टेस्ट और रिचेस्ट एम्प्लॉई करके मैं वहां से निकला। और मुझे याद है 50 जन के पास जाता था और एक को माल बेचता था, 50 जन को डेमो दिखाता था और एक आदमी मेरा वैक्यूम क्लीनर खरीदता था। फिर मैंने बहुत सी पढ़ाई की, अपने आप को अपग्रेड किया, मेरे चाल को बदला, ढाल को बदला, विचार को बदला, कम्युनिकेशन को बदला, मेरे स्टाइल को बदला, मतलब मेरे क्वेश्चनिंग टेक्निक्स को बदले, मेरे क्लोजिंग टेक्निक्स को बदले, मेरे कलेक्शन करने का पैसे लेने की कलाकारी को मैंने बदला। और मैंने स्लोली स्लोली 50:1 से 30:1, 30:1 से 10:1 और 10:1 से 3:1 और 3:1 से 1:1 का सेल्स रेशियो पे मैं आया। दूसरी कंपनी
रियल वैल्यू बोल के फायर एक्सटिंग्विशर बेचने वाली कंपनी में मैं डीजीएम था, जनरल मैनेजर था। सभी रिकॉर्ड जो कंपनी में आज तक चले हैं वो कंपनी में रिकॉर्ड हमने बनाए हैं, और जितने भी रिकॉर्ड उस कंपनी में हैं जो तोड़े गए वो हमने ही तोड़े दिए हैं। तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स कि इंडिया का नंबर वन सेल्स गुरु इसलिए माना जाता हूं कि हर कंपनी में जाके उनके सेल्स को मल्टीप्लाई करके उनका कलेक्शन को मल्टीप्लाई करने की कलाकारी मैंने इनको सिखाया हुआ है। मैं इंडिया का नंबर वन बिजनेस गुरु भी माना जाता हूं, धंधे वाले लोगों को धंधे में कैसे आगे बढ़ना है ये पिछले 21 साल से मैं उन्हें सिखा रहा हूं। और इंडिया का सबसे ओरिजिनल और सबसे पहला 1996 से 25 साल से इंडिया का टॉप मोस्ट मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशन गुरु माना जाता हूं। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि मेरा सेल्स रेशियो 1:1 का है और मैंने सेल्स और कलेक्शन को एक मस्ती बना दिया और आनंद के साथ मैं सेल्स करने जाता हूं और भी डबल आनंद के साथ मैं पैसे वसूल करता हूं। और इसीलिए मेरा नाम द ओरिजिनल कलेक्शन मल्टीप्लायर का नाम मेरा हुआ, वसूली किंग करके मेरे को बुलाया जाता है। जिसने कलेक्शन किया पैसे का अपना माल बेचने के टाइम पे वक्त के पहले, वक्त पे हमेशा, ऑल द टाइम, एवरी टाइम। सो आई मेड collection a hobby of mine, I always collected money before time, on time, every time, all the time, my dear friends। ये कलाकारी, ये पागलपन, ये जुनून जिसके वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूं, मेरे को बताइए my dear friends, क्या ये सब कलाकारी, क्या ये जो कलाकारी जिसके वजह से मैं नंबर वन रहा, जिसके वजह से मैं हमेशा कलेक्ट कर पाया, आज मेरे कंपनी में एक रुपया का आउटस्टैंडिंग नहीं है। पिछले 20 साल में मेरे कंपनी में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रहा और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने पैसा कलेक्ट नहीं किया। हमारे को आपको पैसा देना होगा लेकिन आपसे लेने वाली हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कलाकारी मेरे को जन्म से अपने माँ के कोख से मिला था, यस और नो? Yes or no? बिल्कुल अमित पंडित जी बोल रहे हैं नहीं, आरुष चौधरी बोल रहे हैं नहीं, संजय जी बोल रहे हैं नहीं, महेश जी, अमित शाह, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नायर साहब, ये कलाकारी जो आपने हासिल की है, ये कलाकारी और ये जुनून और ये पैसा कलेक्ट करने का और माल बेचने के साथ साथ पहले ही एडवांस में पैसा कलेक्ट करना, एक एक साल के बाद मेरा प्रोग्राम होने वाला उसका पहले हमने पैसा ले लिया, ये कलाकारी जो है ये कलाकारी मैं मेरे माँ के कोख से सीख के नहीं आया। इसका मतलब यह है कि मेरे माँ के कोख से आने के बाद 21 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में मैं जब सेल्स में आया तो सेल्स में आने के बाद ये सभी कलाकारी को वन बाय वन मैंने कलाकारी हासिल की। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, तो क्या ये सब कलाकारी, बेचने की कलाकारी, माल लेने बेचने की कलाकारी और पैसे कलेक्ट करने की कलाकारी क्या मुझे बचपन से मिला? नो नो माई डियर फ्रेंड्स, ना ही मैं कोई गिफ्टेड चाइल्ड था कि मेरे फादर ने और मैंने, मतलब स्कूल में सबसे ब्राइट स्टूडेंट था या कॉलेज में बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। 19 वर्ष में मैं ऐसा दिखता था एंड आई वॉज नॉट एन एबल एडल्ट, मेरे को बोलने को नहीं आता था, पब्लिक के सामने खड़े रह के बोलने की मेरी तमीज नहीं थी, मुझ में लीडरशिप स्किल नहीं थी, सेल्स का स्किल नहीं था, सेल्स मैनेजमेंट का स्किल नहीं था, सेल्स लीडरशिप का स्किल नहीं था। आई वॉज नॉट एन एबल एडल्ट, एज एन एडल्ट आदमी मैं कोई काबिल आदमी नहीं था। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत लंबा जर्नी ट्रेवल करना पड़ा। देयरफॉर आई हैड टू ट्रेवल थ्रू अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबा, गहरा, कठिन और बहुत ही जबरदस्त आक्रोश भरा एक जर्नी को मेरे को ट्रेवल करना पड़ा। और मैंने दिल से ट्रेवल किया, मैंने जुनून से ट्रेवल किया, मैंने पागलपन के साथ ट्रेवल किया और मैं ये जर्नी में निकला। एंड देयरफॉर आई हैड टू, क्योंकि ये कलाकारियां हम में नहीं थी, हम में से कई लोगों में ये कलाकारी नहीं थी और हम में से कई लोगों के पास आज भी वो कलाकारी नहीं है, हमारे पास भी नहीं था। और हमने देयरफॉर एक जर्नी में निकले और एक लंबा जर्नी में निकले और
और आई हैड टू गो थ्रू द ग्राइंड, मतलब पूरा पिस के, मतलब कस्टमर ने पैसा दबाया, कस्टमर ने हमारे को बहुत बहाने दिए, फोन पे बहाने दिए, जब मिलने जाता था तो बहाने दिए, अलग अलग टाइप के बहाने दिए, सोच के बताता हूँ अभी पैसे नहीं है, पैसे जब होंगे तब देंगे, और कलेक्शन करने को जाते थे आगे वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया, अरे यार कहाँ भागा जा रहा हूँ, आपके पैसे तो मेरे पास सेफ है, अभी हमारा ही धंधा नहीं हुआ, आपका तो माल बिका ही नहीं है, हमको आगे से पैसा नहीं मिला, हम आगे से आपको कैसे पैसे दे सकते हैं, कोविड चालू है, ये है वो है, ऐसे कई बार मैं देखता हूं कि 100, 150, 300 कस्टमर लोग अलग अलग टाइप के बहाने देते हैं, और मैंने ये सब बहानों को सुना, और सुनने के बाद एक एक बहाने का एक एक सुंदर सुंदर मैंने जवाब ढूंढ के निकाला, तो आई हैड टू गो थ्रू अ ग्राइंड एंड यू नो टू अचीव दिस 1-to-1 सेल्स रेशियो एवरी टाइम एंड गेन कलेक्शन मास्टरी, कलेक्शन की मैंने मास्टरी गेन करने के लिए बहुत मुझे मेहनत करना पड़ा, 400 किताबें मैंने पढ़ी सेल्स के ऊपर, कैसे मेरी मास्टरी हुई, 400 किताबें सेल्स के ऊपर पढ़ी, सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारे किताबें पढ़ी, सेल्स में लीडर कैसे बनते हैं, लीडरशिप के ऊपर मैंने बहुत सारे पढ़ाई की, कलेक्शन के ऊपर कहीं बुक्स मैंने पढ़े, एंड मैंने 1000 ऑडियोज, 1200 ऑडियोज और वीडियोज, बड़े बड़े गुरु महारथियों का मैंने 1200 ऑडियोज और वीडियोज को मैंने देखा, उसमें से नोट्स बनाया, और अपने जहनो दिमाग में एक एक डायलॉग को उतार उतार के मार मार के अपने अंदर घुसा दिया, एंड आई हैव अटेंडेड यू नो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन वेरियस एरियाज, मैं हर टॉप ट्रेनर का यू नो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने गया, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की, बहुत मिस्टेक किए, बहुत पैसा गवाया, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बहुत मेरा एफर्ट वेस्ट हुआ, लेकिन फिर मेरे को समझ में आ गया, जब जब हम पढ़ेंगे, जब जब हम लिखेंगे, जब जब हम अपने को आगे बढ़ाएंगे पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा संतोष नायर तो बढ़ेगा संतोष नायर, ये जो कलाकारी है, ये एक्सपर्टाइज मैंने गेन की, और किन किन लोगों से मैंने ये गेन किया, ज़िग ज़िग्लर, सेल्स के महागुरु, गुरुओं का गुरु ज़िग ज़िग्लर के सारे किताबें पढ़े, चूस चूस के उसके पूरे रस निकाल के मैंने अपने अंदर डाले, कैसा बैठना है, कहां बैठना है, किससे बात क्या बात करनी है, कैसे ऑर्डर को मांगना है, कैसे पैसे लेना है, पैसे लेते टाइम क्या डायलॉग मारने हैं, पैसे को कलेक्ट करने के टाइम पे क्या डायलॉग मारने हैं, फोन पे क्या बोलना है, फेस टू फेस में क्या बोलना है, अगर टेलीफोन पे है तो क्या बोलना है, ब्रायन ट्रेसी के सारे वीडियोस को मैंने देखे, अपुरेश आचार्य जो डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में थे अमेरिका में, और उन्होंने मोटिवेशनल सेलिंग स्किल सिखाया इतना बढ़िया तरीके से, उन्होंने 1.5 महीने का प्रोग्राम लेके मुझे इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने सिखाया, माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के बेहतरीन गुरुओं का बुक्स और ऑडियोस और वीडियोस को देखने के बाद, और सबसे पहला मैंने मास्टरी की टॉम हॉपकिंस के सारे बुक्स मैंने चार्ट चार्ट के बट डाले, टॉम हॉपकिंस साहब मेरे सबसे बड़े गुरु रहे, मेरे 19 बरस की उम्र में मैंने इनको मिला, और इनके सारे ऑडियोस वीडियोस और जा जाके मैंने प्रोग्राम किए, 4 सीक्रेट्स है माय डियर फ्रेंड्स मेरे सक्सेस के पीछे, नंबर 1, मैंने अपने ऊपर यानी संतोष नायर के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट, मैं थोड़े दिन पहले इसका कैलकुलेशन कर रहा था कि 1985 से लेके 2021 और परसों के दिन ही मैंने एक नया प्रोग्राम में एनरोल किया और कल वो प्रोग्राम शुरू हुआ और मैंने 1,64,00,000 रुपया अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, एक टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगहों पे, अभी 2 साल पहले मैं अमेरिका गया था 3 दिन के प्रोग्राम के लिए और मैंने 20,00,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि 20 करोड़ रुपया कैसे रातों रात कमानी है, ये कलाकारी मेरे पास आई तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर, ये मेरा पहला सीक्रेट, हार्ड वर्क तो मैं तब भी करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, ये मेरा दूसरा सीक्रेट रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि मैंने कभी भी अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जहां पर भी प्रोग्राम मिला उसको मैंने मिस नहीं किया, मतलब मेरे को अमेरिका में बोले प्रोग्राम में मैं पहुंच गया, बाली में मेरे को बोला रॉजर हैमिल्टन का प्रोग्राम है वहां पहुंच गया, चेन्नई में प्रोग्राम है तो वहां पहुंच गया, दिल्ली में बोले प्रोग्राम है तो मैं वहां पहुंच गया, आप बोलो प्रोग्राम कहां पर है और अपने आप को
बढ़िया बनाने का प्रोग्राम कहां पर हो रहा है मैं वहां पर पहुंच जाता हूं, और कभी मैंने कोई बहाने नहीं दिए, मेरे जितने भी अपॉइंटमेंट से बाकी सब चीजों को पोस्टपोन आगे पीछे करके कोई बहाना न देते हुए कि यार वो तो लंबा है, वो तो पुणे में प्रोग्राम है, वो तो चेन्नई में प्रोग्राम है, बेंगलोर में प्रोग्राम है, तो दुबई में कैसे जाएंगे यार, दुबई में प्रोग्राम इतना लंबा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दुबई कहाँ है। मैंने पैसे भर दिए और मैं निकल गया अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट में, और इसके वजह से आज हम 3 करोड़ का मर्सिडीज चलाते हैं और हम लाइफ में लगातार पैसे कमाते हुए, नाम कमाते हुए, इज्जत कमाते हुए आगे निकले माय डियर फ्रेंड्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे जितने भी बॉस लोग थे सेल्स में, मेरे जितने भी बॉस थे और जितने भी मेरे मेंटर्स थे, गुरु लोग थे, मैंने अनकंडीशनली उनको सरेंडर कर दिया। ये 2 घंटे आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट 2 घंटे है माय डियर फ्रेंड्स। आज यू नो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आई हैव सरेंडर्ड अनकंडीशनली टू माय मेंटर्स। जो मेरे बॉस लोगों ने बताया, जो मेरे गुरु ने बोला, जो डायलॉग मेरे को मारने के लिए बताया, जो किताब पढ़ने के लिए मुझे बोला, जो चीजें फोन करने के पहले जो तैयारी करनी थी, फोन पे क्या बोलनी है, जाने के बाद कैसे कॉल को चालू करना है, कलेक्ट करने के टाइम पे कौन से डायलॉग मारते हैं, चिट्ठियां कलेक्शन की कैसे लिखते हैं, जो मेरे बॉस लोगों ने और मेंटर लोगों ने, गुरुओं ने बताया, वर्ड टू वर्ड अपना खोपड़ी को ना यूज करते हुए लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए मैंने इन सब को सरेंडर किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कभी कोई रीजन नहीं दिए धंधा क्यों नहीं हुआ, कलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कभी नहीं। धंधा करूंगा, कलेक्शन भी करूंगा, क्योंकि धंधा करना मुझे मालूम है, कलेक्शन करना मुझे मालूम है, और इसीलिए मेरा एक ही फिलॉसफी रहा है कि मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, मुझे रीजन प्रोड्यूस नहीं करने हैं। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, रीजन प्रोड्यूस नहीं करना? कितने लोग एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हो तो बोले यस, वाई बोलिए, वाई वाई बोलिए कि हमें रिजल्ट। और मैं हमेशा बोलता हूं टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। आपने कितना टाइम डाला कलेक्शन पे, आपने कितना एफर्ट डाला, टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी, रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। जब आप रिजल्ट पैदा करेंगे, जब आप रिजल्ट पैदा करेंगे, यानी पैसे मिले तो कमीशन मिलेगा, पैसे मिले तो हम पैसे दूसरों को दे सकेंगे, यू नो। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये सब चीजें, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको एक एक करके अपने लाइफ को डेडिकेट करते हुए सीखना है। आई नेवर गेव एनी रीजंस, और ये 37 साल में मैंने रिजल्ट्स को पैदा किया माय डियर फ्रेंड्स। 37 साल में ऑल दिस 37 इयर्स ऑफ लर्निंग हैज लेड मी टू अचीव दिस लेवल ऑफ एक्सीलेंस एंड डिस्कवर मेनी सीक्रेट्स। 3 बातें हैं, मैंने बहुत सारे सीक्रेट्स सेल्स और कलेक्शन के समझे, मैंने बहुत सारे सत्य को जाना, फैक्ट्स को जाना, और बहुत सारे स्ट्रेटजीज को मैंने जाना। ये 37 इयर्स में मैंने एक एक करके हर चीज को स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया, और मैं आज आपके सामने वो कुछ सीक्रेट्स जो मैंने जाने। देखिए आज एक ही दिन में, ये 2 घंटे में सब कुछ तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन कुछ ख्याल आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में। और ये सब करेंगे तो मैं कसम भवानी की आपको ये बताता हूं, आप सेल्स में और कलेक्शन में उस्ताद हो जाएंगे, और आप लोग हमेशा पैसा कलेक्ट करेंगे बिफोर टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम। खाली यहां पर 4 डायलॉग मारने से आप वो डायलॉग को मार्केट में नहीं वापर सकेंगे, क्योंकि एक जर्नी है, ये जर्नी को पूरी तरीके से समझना चाहिए, और जर्नी को समझने के बाद, जर्नी को अंडरस्टैंड करने के बाद, जर्नी में क्या करना है ये चीज को समझने के बाद ही आप ये सब चीजें की मास्टरी कर सकेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ सीक्रेट्स पेश करना चाहता हूं। सबसे पहला सीक्रेट जो मैंने जाना है लाइफ में, सबसे पहला सीक्रेट सेल्स एंड कलेक्शन में मैंने ये जाना है कि यू कैन एक्चुअली कलेक्ट बिफोर टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम। ये सीक्रेट नंबर 1 है कि आप हमेशा पैसा ऑन टाइम, बिफोर टाइम, एवरी टाइम कलेक्ट कर सकते हैं, और मैं ये पिछले 37 साल से कर रहा हूं। ये है सीक्रेट।
अब ये कैसा किया, इसके लिए आपको आगे चल के क्या करना चाहिए, ये सब मैं आज बताऊंगा। लेकिन पहले आज आपका फाउंडेशन बनाना चाहता हूं, आपकी सोच को, आपकी माइंडसेट को बनाना चाहता हूं कि ये पॉसिबल है क्योंकि हमने किया हुआ है। नंबर टू सीक्रेट, यू कैन ऑलवेज डिमांड फॉर एडवांस पेमेंट। बहुत सारे लोगों को एडवांस पेमेंट कैसे लेना है ये मालूम नहीं है, और एडवांस पेमेंट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये मालूम नहीं है। इसके लिए वो लोग एडवांस में पेमेंट नहीं लेते हैं, और देयरफॉर फिर उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके पास कस्टमर ने माल ले लिया और आपको उसने पैसे नहीं दिए, आपको उससे लेना है 10 लाख, और यू नो 10 लाख रुपए लेने हैं, वो आपसे 20 लाख का माल लेता है, 10 लाख देता है, 30 लाख का माल लेता है, 10 लाख देता है, और आप ट्रैप में फंस जाते हैं। यू कैन ऑलवेज डिमांड एडवांस में पेमेंट, और ये आपका एक नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड, ये मेरा नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड है। तो आप लोगों को भी सबसे पहला अपना नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। मैंने अपने बहुत सारे नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और कहां पर वो सब मिलेगा ये भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। आप ये प्रोग्राम 9 बजे तक चलेगी, और लास्ट तक बैठे रहिए, क्योंकि एक एक करके आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है अगर आपको कलेक्शन की मास्टरी करनी है। तो 9 बजे तक दिल थाम के बैठिए। सीक्रेट नंबर 3 ये बोलता है कि यू कैन एक्चुअली हैव 0 आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। मेरा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है मार्केट में, और मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का धंधा किया, डीलरों के साथ धंधा किया, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ धंधा किया, डायरेक्ट में धंधा किया, गवर्नमेंट के साथ धंधा किया, प्राइवेट सेक्टर में धंधा किया, पब्लिक सेक्टर में मैंने धंधा किया, और मैंने वैक्यूम क्लीनर भी बेचे, फायर एक्सटिंग्विशर भी बेचे, फ्रेंचाइजी भी बेचे, अलग अलग कंपनियों में मैंने बेचने की कलाकारी सिखाया। मेरे को एक चीज मालूम है कि आउटस्टैंडिंग 0 हो सकता है। आई कैन गिव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। यू नो सीक्रेट नंबर फोर, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस पीपल फॉर पेमेंट। मल्टीपल टेक्निक्स है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। देर आर मल्टीपल टेक्निक्स लोगों को पेमेंट के लिए इन्फ्लुएंस करने के मल्टीपल टेक्निक्स है, और मैं ये कई सालों से प्रैक्टिस करते आया हूं। 5वां सीक्रेट, ऑल कलेक्शन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय राइट एजुकेशन एंड मेंटर। अगर आपका सेल्स और कलेक्शन का एजुकेशन बढ़िया है, और सेल्स और कलेक्शन का बढ़िया सिखाने वाला आपको एक बढ़िया मेंटर अगर मिला है, जो सेल्स का गुरु है या बापू है, और उसके पास साइंटिफिक सेल्स के प्रोसेस है, साइंटिफिक कलेक्शन के प्रोसेस है, ऑल सेल्स कलेक्शन प्रॉब्लम सिखाया जा सकता है राइट एजुकेशन और राइट मेंटर के द्वारा। और मैंने ये कईयों को ये सिखाया है पिछले 37 सालों में। तो ये थे वो 5 सीक्रेट, और कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और कुछ रणनीतियां, कुछ स्ट्रेटजीज आपके सामने, सामने सामने फैक्ट, सामने सामने स्ट्रेटजी, आपको क्या करनी है ये मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला फैक्ट ये जान लो और मन में ये बात को बिठा दो, ए सेल इज नॉट अ सेल टिल द मनी इज कलेक्टेड। पहला ये मन बना लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि सेल तब तक सेल नहीं माना जा सकता जब तक कलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने ऐसे कई कंपनियों में काम किया है जहां पर सेल्स टीम सेल्स करता है, और फिर एक दूसरा टीम रखा हुआ है कलेक्शन के लिए, और वो सेल्स वाले की जिम्मेदारी नहीं है कलेक्शन करना, और सेल्स वाले को सेल्स पे इंसेंटिव मिल गया, घोर पाप हो गया उस कंपनी में, घोर पाप हो गया, क्योंकि सेल इज नॉट अ सेल जब तक कलेक्शन नहीं हुआ। अगर ये एक फैक्ट है तो इसके सामने सामने स्ट्रेटजी ये है कि ऑल सेल्स पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन कलेक्शन टेक्निक्स। दुनिया का हर सेल्स का बंदा, दुनिया का हर धंधे वाला अपने आप को कलेक्शन और सेल्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को फुल प्रोग्राम करते हुए अपने आप को ट्रेन करना चाहिए अगर उसे ये कलाकारी सीखनी है तो। नंबर 2 फैक्ट जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स फोकस ओनली ऑन द आर्ट ऑफ कलेक्शन। ज्यादा से ज्यादा सेल्स के बंदे और एंटरप्रेन्योर्स फोकस करते हैं आर्ट ऑफ कलेक्शन में।
कलेक्शन की कलाकारी में वो बिलीव करते हैं, और ये कलाकारी उन्होंने कहां से सीखा है? दे हैव लर्नड इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या है? आप जा रहे हैं और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जा रहे हैं और आप सेल करके आ रहे हैं लेकिन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कलेक्ट नहीं कर रहे, सेल कर रहे हैं कलेक्ट नहीं कर रहे, ये गुड एक्सपीरियंस है कि बैड एक्सपीरियंस है? बताइए, गुड और बैड। गुड है तो जी लिखिए, बैड एक्सपीरियंस है तो बी लिखिए। आप जा रहे हैं माल बेच रहे हैं और पैसा आप टाइम पे नहीं, पैसा आप कलेक्ट नहीं करे, गुड एक्सपीरियंस है बैड एक्सपीरियंस? बिल्कुल सब लोग बोल रहे हैं बैड एक्सपीरियंस है। आप जा रहे हैं फुल कैसे पैसा कलेक्ट करने के जगह पे पार्ट पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस? ये आपका तजुर्बा है, गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस। आप जा रहे हैं, आप उधार दे रहे हैं, 10 लाख का माल दिया है, आपने कलेक्शन नहीं किया, सामने फिर वो 10 लाख देता है, जब आप 20 लाख रुपया का माल उसको देते हैं, ये कलेक्शन चक्रव्यूह का ट्रैप में आप फंस गए। ये गुड एक्सपीरियंस है कि बैड एक्सपीरियंस है? गुड एक्सपीरियंस है कि बैड एक्सपीरियंस है? गुड एक्सपीरियंस है कि बैड है? सब लोग, निरुपम जी, अमित जी, विजय जी, कमलजीत जी, निरुपम जी, सिंगनेश जी, प्रणव जी, हरीश जी, सब मनीष जी, सब लोग बोल रहे हैं नायर साहब ये तो बैड एक्सपीरियंस है। फोन पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, फोन पे आपको दुनिया भर के बहाने दे रहे और वो बहाने सुन के आप रख रहे हैं, आप खुद विश्वास करते हैं कि आपके खुद के डायलॉग क्या है, अरे इसको फोन करके भी फायदा नहीं है, पैसे तो मिलने वाले नहीं, इसको फोन करके फायदा नहीं है क्योंकि ये रोने को चालू कर देगा, मुझे नहीं लगता कि आज अपने को फोन करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि बार बार फोन करना चाहिए, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं कि मैं कलेक्शन के लिए बार बार फोन करूं, मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं। ये कईयों की ये सोच है, कईयों की ये सोच है कि 8 बज गए शाम को कैसे कस्टमर को कलेक्ट करें, अरे घर पे कैसे जाके उसके कलेक्शन कर सके क्योंकि ऑफिस में अपने को अवॉइड करता है, कैसे जा सकते हैं? अगर ये सोच है आपकी और ये एक्सपीरियंस है और इसकी वजह से आप पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ये गुड एक्सपीरियंस है कि बैड एक्सपीरियंस है? ये गुड है कि बैड है? करूर साहब बोल रहे हैं ये बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस है, शिवाजी बोल रहे हैं ये बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस है, यू नो हरपिंदर जी बोल रहे हैं ये बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस है। तो मैं ये बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, हम में से कई लोग कलेक्शन का तजुर्बे से सीखने के लिए बैठे हैं और तजुर्बा आपका कलेक्शन का पुअर है, एंड देयरफॉर आपका एक्सपीरियंस पुअर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं जब माल बेचता हूं तो पैसे एडवांस नहीं ले रहा हूं, फिर मैं एक ऐसा बंदा हूं जब मैं माल बेचता हूं तो वो उधार पे उधार देते रहता है और मैं कलेक्शन के चक्रव्यूह में फंसा हूं, मेरा आधा टाइम, मेरे लोगों का आधा टाइम कलेक्शन में जा रहा है और पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे लॉस बढ़ रहा है, और मैंने उधार में दूसरे से पैसे इंटरेस्ट पे लेके मैं अपना कंपनी चला रहा हूं, ये आपका अगर तजुर्बा है तो ये गुड एक्सपीरियंस है कि बैड एक्सपीरियंस? गुड एक्सपीरियंस की बैड एक्सपीरियंस? गुड एक्सपीरियंस की बैड एक्सपीरियंस? सब लोग लाइन से बता रहे हैं कि ये वेरी बैड एक्सपीरियंस है नायर साहब। तो आपने इसके लिए किया क्या है? फिर आपने ये बैड एक्सपीरियंस को, कल भी जाएंगे उधार देंगे, परसों भी जाएंगे वही काम करेंगे जो 6 महीना पहले गए, और कल वाले ही डायलॉग मारेंगे और परसों वाले ही डायलॉग मारेंगे और 6 महीने पहले वाले ही डायलॉग मारेंगे। डायलॉग बदलेगी कब? सोच बदलेगा कब? तरीका बदलेगा कब? ये आपको आज सोचना है। मैंने कहा आज आपका मन बनाऊंगा, करना क्या है ये तो आपको बाद में सिखाएंगे, लेकिन आज आपका मन बनाना है कि क्या आपको पैसा चाहिए, क्या एडवांस में चाहिए, क्या आपको पैसे चाहिए टाइम पे? हाँ या ना? डू यू वॉन्ट योर मनी ऑन टाइम, यस और नो? आपको अपना पैसा टाइम पे चाहिए, यस और नो? सब लोग बोल रहे हैं, सब हरामी लोग बैठे हैं साले, सब यस 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 बोल रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, और साले डायलॉग वो फटी पुरानी 1960 वाली मारते रहते हो और उस डायलॉग में किसी तरह की तब्दीली नहीं की, और फिर चाहते हो कि धंधे में बरकत मिल जावे? नहीं मिल सकता ना भाई, नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता। सेल्स का बंदा जाके मन में आता है, मुंह में जो आता है बोल के आता है, टेलिंग करके आता है, लेकिन सेलिंग आता ही नहीं है,
टेलिंग और सेलिंग में बहुत फर्क है। कई लोग तो टेलिंग से एक लेवल आगे नीचे के लेवल पे, इसको बोलते हैं बेगिंग। बेगिंग, टेलिंग, सेलिंग, एजुकेटिंग, चार लेवल का सेल्समैन होता है। कुछ टेलिंग करते हैं, बेगिंग करते हैं, अल्लाह के नाम पे सर पैसे कब देंगे, अरे फोन पे अगर तू ये बोलता पैसे कब देंगे इसका मतलब है कि आज नहीं चाहिए तेरे को। सर कब तक पेमेंट हो जाएगा, ये खुल के जो क्वेश्चन पूछते गलत है। सर क्या चांस है मेरी पेमेंट मिलने का ये महीने में, आगे वाला बोलेगा कोई चांस नहीं है, 2000 साल तक मिलने का चांस नहीं है। तो डायलॉग ही गलत है, डायलॉग ही गलत है। सर टारगेट के कारण हो जाता है, ऐसा एक गधा बोल रहा है मेरे को यहां, टारगेट के कारण ये हो जाता है। अरे टारगेट तो जिंदगी भर बढ़ते रहने वाला है। जब मैं 100 करता था एज ए ब्रांच मैनेजर, टारगेट 150 कर दिया, जब 150 करता टारगेट 200 कर दिया, 200 करता था तो 300 कर दिया टारगेट, 300 करता था 350 कर दिया, और मुझे बड़ी आनंद आती थी क्योंकि टारगेट जैसे जैसे बढ़ता था मैं अपनी कलाकारी को और शार्प करता था, और शार्प करता था, और उस टारगेट को बढ़ने के बाद मैं उस कलाकारी के साथ उसको ये करता था। इसीलिए मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूं कि मोस्ट सेल्स पीपल और एंटरप्रेनर्स खाली अपने कलेक्शन के आर्ट के ऊपर फोकस करते हैं, एंड वो आर्ट उन्होंने तजुर्बे से गेन किया हुआ, और तजुर्बा उनका पुअर है। तो देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अपना घिसी पिटी पुअर जो तजुर्बा है, जो बैड तजुर्बा है, उसको, वो आपकी जो आर्ट है, जो कलाकारी आपने सीखी है, उसको भूलना पड़ेगा। एंड इसीलिए आपको लर्न करना पड़ेगा द साइंस ऑफ कलेक्टिंग मनी, द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग मनी, एंड द स्किल ऑफ कलेक्टिंग मनी, ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको साइंस, साइंटिफिक स्टेप्स है कलेक्शन के, साइंटिफिक डायलॉग है कलेक्शन के, साइंटिफिक तरीके हैं फोन पे बात करने के, द साइंस को आपको सीखना पड़ेगा। फिर वो सीखा हुआ साइंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू नो, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो डायलॉग को बोलना पड़ेगा हजारों बार, और जब आप बोलेंगे उसमें तब्दीली लाइए, तब्दीली लाइए, तब्दीली लाइए, तब्दीली लाइए, तब्दीली लाइए, तब्दीली लाइए, तब तक तब्दीली लाते रहिए जब तक आपने मारा डायलॉग और पैसा मिला, तब तक तब्दीली लाना है। जब तक साला वो पैसा नहीं मिलता, वो डायलॉग अपने को कॉन्कर नहीं किया, तब तक आपको अपने डायलॉग में तब्दीली लाते रहना है, तब्दीली लाते रहना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लर्न द साइंस, और आर्ट को आपको परफॉर्म करना और स्किल को मास्टर करना है। तो ये जो है स्किल जो है इसको मास्टर करना है। तो पहले साइंस को सीखना है, आर्ट को परफॉर्म करना है, और स्किल को मास्टर करना है। तीसरी जो फैक्ट है, तीसरी और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, एजुकेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी डज नॉट गिव रिजल्ट्स। आपने, मैंने आपको एजुकेट कर दिया, लेकिन आपके पास इंप्लीमेंटेशन के कोई टूल्स नहीं है, टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, तो आपका एजुकेशन जो है इंप्लीमेंटेशन के तरफ अगर नहीं है तो इससे कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए स्ट्रेटजी क्या करना पड़ेगा, एक मेंटर को ढूंढिए, फाइंड द मेंटर हु कैन हेल्प यू बिल्ड द कलेक्शन विजडम। आपका कलेक्शन का विजडम, आपका कलेक्शन की प्रज्ञा को बढ़ाने वाला एक मेंटर को ढूंढिए। फैक्ट नंबर 4, द बिजनेस वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय कलेक्शन मेस। पूरा बिजनेस वर्ल्ड में कलेक्शन एक मेस हो गया है, कलेक्शन एक बहुत बड़ी मेस हो गया है। बोलता ना ये लाइफ इसका मेस हो गया, कलेक्शन मेस हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, और ये कलेक्शन मेस जो है, और इसको कलेक्शन मेस बोलिए या यू नो वसूली मेस बोलिए, ये बहुत बड़ा एक पूरी चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं। और मेस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मेस का मतलब है M is equal to mess, mess, M का मतलब है mess, mess is equal to O minus C, mess is equal to obligation minus commitment। जैसे
कई साल पहले आपको सेलिंग सीख लेना चाहिए था, आपका ये ऑब्लिगेशन था, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी, आपने नहीं सीखा क्योंकि आप कमिटेड नहीं थे सीखने के लिए। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आपका ऑब्लिगेशन था कि आप सेल्स के बारे में सीखे, आपने नहीं सीखा क्योंकि आप कमिटेड नहीं थे, इसके लिए आप सेल्स नहीं कर पाते हैं और सेल्स का मैस हो गया। जैसे आपको कस्टमर के पास जाके वक्त के पहले कलेक्ट करने का अपने पास ऑब्लिगेशन था, जिम्मेदारी थी, लेकिन उसको मास्टर करने के लिए जो पढ़ाई करनी थी वो पढ़ाई हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम लोग उस पढ़ाई के लिए कमिटेड नहीं थे। मतलब हमारी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारी ऑब्लिगेशन थी, उस ऑब्लिगेशन को निभाने के लिए हमारे को पढ़ने की कमिटमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने वो पढ़ाई नहीं किया, हमने वो पढ़ाई नहीं किया। जैसे और इसीलिए टाइम पे कलेक्ट करने की कलाकारी सीख लेनी चाहिए थी, ये हमारी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन हम लोग कमिटेड नहीं थे सीखने के लिए। आप में से कितने लोगों ने 400 किताबें पढ़ी है? आप सेल्स में हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप 10 साल से धंधे में हैं, 20 साल से धंधे में हैं, आपने 400 किताबें सेल्स की पढ़ी, 100, 200, 300 ऑडियो वीडियो सुने, अपने डायलॉग को रेगुलरली हर रात बैठ के इंप्रूव किया, या ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं था, ये आपका ओ नहीं था, ओ फॉर ऑब्लिगेशन, क्या किया आपने, कहां थी आपकी कमिटमेंट? और वो कमिटमेंट नहीं होने की वजह से अभी, जैसे अगर किसी का हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की हमारी ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन ना सुबह उठने की कमिटमेंट है, ना भागने की कमिटमेंट है, ना योगा करने की कमिटमेंट है, और अभी उसका हेल्थ का मेस हो गया। जैसे उधार, मेरे फादर जो है उधार लेते थे, पैसा कमाते नहीं थे, उधार लेते थे, और वो कमिटेड नहीं थे पैसा कमाने की कलाकारी को सीखने के लिए, उसके लिए क्या हो गया, उधार पे उधार लेते रहे, लेकिन कमिटमेंट नहीं था पैसे को मल्टीप्लाई करना और इनकम को मल्टीप्लाई करना, इसके लिए वो उधारी के मेस में फंस गए हैं। हम में से हर आदमी कोई ना कोई मेस में फंस जाता है, और ये मेस जो है ये बहुत डेंजरस है। आज पूरी पूरी कंपनियों में बहुत बड़ा कलेक्शन का मेस हो चुका है, और वो इसलिए क्योंकि लोग उस चीज को सीख नहीं रहे हैं। तो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपको अपना और आपका कलेक्शन का कमिटमेंट, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कहा, आपका कमिटमेंट टू कलेक्ट मनी बिफोर टाइम ऑन टाइम, आपका कलेक्ट करने की चाहत कस्टमर की ना देने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए, आपका कमिटमेंट उससे लेने की और उसका कमिटमेंट नहीं देने का आपका कमिटमेंट ज्यादा होना चाहिए। आपको देयरफॉर उससे पैसा निकालने की कलाकारी को सीखना है। कोई बात नहीं, कई लोग बोल रहे सर अभी तक हमने नहीं पढ़ाई की, अभी तक कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, देर आए दुरुस्त आए। आज जिंदगी में आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आज से शुरू कर दीजिए जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो एडवाइस दूंगा एंड में, और अगर आपने मेरा एडवाइस को दिल पे लेके आपने वो सब किया, 9 बजे मैं जब एडवाइस दूंगा आपको, वो सब एडवाइस जो आपने किया, तो कसम भवानी की सेल्स में बापू बनेंगे और कलेक्शन में उस्ताद नहीं बना तो मेरा नाम संतोष नायर नहीं, और टाइगर लोग मुझे ऐसे नहीं बुलाते हैं, लोग पैसे मेरे को ऐसे नहीं दे देते हैं, सही डायलॉग, सही टाइम पे, सही तरीके से, सही लोगों पे, सही जगहों पे, सही टाइमिंग लगा के मारना है। और ये सब मैंने कहां रखा है, क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, और आपको वो सब करना है। 100% आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कलेक्टिंग मनी एंड फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन। आपका ओ है, आपका ओ यानी ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है। ओ, कई लोग अपने ऑब्लिगेशन के तरफ कमिटेड नहीं है। ओ माइनस सी जब हो जाता है तब लाइफ में अलग अलग टाइप के मेस हो जाते हैं, और ये मेस से आपको निकलना है माय डियर फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर 5, दिस मेस इज लीडिंग अस टू फॉल इनटू अ ट्रैप।
और ये मेस की वजह से, ये कलेक्शन मेस की वजह से, पैसे टाइम पे नहीं मिलने की वजह से हमारा दिल उदास हो गया है, मन उदास हो गया है, काम करने में मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, दुखी हो गए हैं. दिस मेस इज लीडिंग अस टू फॉल इनटू अ ट्रैप, TRAP. इसको बोलते हैं द कलेक्शन ट्रैप. ट्रैप का मतलब क्या है? ट्रैप का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए. व्हाट इज अ ट्रैप? TRAP. टी कौन है? जिस आदमी के पास मैं जा रहा हूं पैसे लेने का, वो है टारगेट पर्सन. टी टारगेट पर्सन, टी. अब वो GM हो सकता है, वो VP हो सकता है, वो कोई MLM वाला आदमी को जुड़ाने की बात हो सकती है, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम उठाने की बात हो सकती है. टारगेट पर्सन वो आदमी है जिसके पास हम जा रहे हैं पैसा लेने के लिए. और हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है टू कलेक्ट द मनी बिफोर टाइम, बेचने के टाइम पे कलेक्ट करना, ऑन टाइम बेचने के टाइम पे कलेक्ट करना, ये पहला सीखना है. उसके बाद क्या सीखना है? जो हमने क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट के टाइम के हिसाब से अपने को कलेक्ट करना है. तो टारगेट पर्सन, टी फॉर टारगेट पर्सन, अपना पर्पस है उससे जाके पैसा लेना. लेकिन जब हम जाते हैं वो हमारे चड्डी में बम लगाता है, वो एडवर्स रिएक्शन देता है. एडवर्स रिएक्शन का मतलब है वो अलग 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 टाइप के डायलॉग मारता है. मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा माल बराबर नहीं था, तुमने बराबर टाइम पे नहीं दिया, अभी तो हमारा माल नहीं बिक रहा, ऐसे वो अलग अलग टाइप के एडवर्स रिएक्शन दे रहा है. वो रिएक्शन पे रिएक्शन कर रहा है. और देखिए, आपका काम था टारगेट पर्सन के पास जाना, आपका पर्पस था, आपका लक्ष्य था कलेक्शन करना, उसने दे दिया. वो जो आदमी है टारगेट पर्सन ने अलग अलग टाइप के डायलॉग उसने आपको मारे. आपको क्या करनी थी? आपको अपना R यूज करना था. जो रिसोर्सेस होते हैं आपके पास, रिसोर्सेस जो आपके पास होते हैं, आपका रिसोर्स यानी आपका नॉलेज आपका रिसोर्स है, आपका एटीट्यूड आपका रिसोर्स है, आपका पूरा हैबिट्स जो है वो आपका रिसोर्स है. आपके पास जो रिसोर्सेज है अवेलेबल, और जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो हो गया एक बात, और दूसरा रिसोर्सेज जो है अपनी कलाकारी को आपने डेवलप किया. अब अगर आपने अभी एक मिनट के लिए देखिए, टारगेट पर्सन है सामने बैठा हुआ, हमारा पर्पस है उससे कलेक्ट करना, उसने हमारे को एडवर्स रिएक्शन दिया, चड्डी में अलग अलग टाइप के बम लगाए, हमने कभी साला पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं, हमने अपने रिसोर्सेस को डेवलप नहीं किया, हमने अपने कलाकारियों को डेवलप नहीं किया, और इसकी वजह से हम फंस गए ट्रैप के अंदर. तो माय डियर फ्रेंड्स, घूम फिर के बात कहां की आती है कि जो रिसोर्सेस आपने आपके पास जो अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जो डायलॉग्स आपके पास अवेलेबल है, जो ज्ञान आपके पास अवेलेबल है, जो तरीके आपके पास अवेलेबल है, जो टेक्निक आपके पास अवेलेबल है, जो पैटर्न आपके पास अवेलेबल है, जो सोच आपके पास अवेलेबल है, जो जो डायलॉग्स आपके पास अवेलेबल है, जो फिलॉसफी आपके पास जो अवेलेबल है, तरीके जो आपके पास अवेलेबल है, जो थियोरी आपके पास अवेलेबल है, जो स्टोरियां आपके पास अवेलेबल है, जो बुक आपके पास अवेलेबल है, जो रेफरेंसेज आपके पास अवेलेबल है, जो डायलॉग आपके पास अवेलेबल है, जो मॉडल आपके पास अवेलेबल है, जो फोटोग्राफ आपके पास अवेलेबल है, जो टूल्स आपके पास अवेलेबल है, जो आइडियाज आपके पास अवेलेबल है, जो चार्ट आपके पास अवेलेबल है, जो प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है, जो ग्राफ आपके पास अवेलेबल है, जो थियरी आपके पास अवेलेबल है, जो टेक्निक आपके पास अवेलेबल है, जो डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है, जो सिस्टम कलेक्ट करने का जो अवेलेबल है, जो कोट्स आपके पास अवेलेबल है, जो प्रूफ आपके पास अवेलेबल है, जो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल, जो टैक्टिक्स आपके पास अवेलेबल है, जो पैटर्न आपके पास अवेलेबल है, जो स्ट्रेटजी आपके पास अवेलेबल है, जो कम्युनिकेशन आपके पास अवेलेबल है, जो एक्शन लेने की ताकत आप में अवेलेबल है, आपकी नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड आपके पास जो अवेलेबल है, आपका बिलीफ जो अवेलेबल है, ये आपका रिसोर्स है. इन सब पे काम कभी हुआ है मेरे को बताइए? इन सब पे काम कब हुआ था? कौन से साल में हुआ था बताइए? 1990 पे हुआ था, 2010 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2018 में हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था? यू नो, तो संजीव सिंह बोल रहे हैं कि नहीं हुआ था, सचिन जी बोल रहे हैं नेवर, नहीं हुआ. संजीव सिंह बोल रहे हैं यू नो नहीं हुआ, यू नो राकेश जी बोल रहे हैं नेवर, एंड योगेंद्र जी बोलते हैं ये तो आई ओपनिंग बात हो गया.
ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास अगर रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास वो डायलॉग्स नहीं है, आपके पास अगर वो पैटर्न नहीं है, अभी भी कोई कोई आदमी बोला जल्दी से बता दीजिए सर, जल्दी से बता दीजिए, अभी का अभी बता दीजिए 4-5 डायलॉग। अरे मैंने अगर बता भी दिया तो भी तेरे को नहीं कलेक्ट करने को होगा, क्योंकि उसके पहले जो मन बनना है, उसके पहले जो सेलिंग स्किल सीखना है, उसके पहले जो कलाकारियां डेवलप करनी है, वो जब तक तू डेवलप नहीं करेगा, तू शॉर्टकट में लेने के चक्कर में है, नहीं मिलेगा तेरे को। कौन है तेरा गुरु जो तेरे को सेल्स की मास्टरी सिखा रहा है? कौन है तेरा गुरु जो तेरे को सेल्स का कलेक्शन सिखा रहा है? कौन से मास्टर के नीचे तूने अपने आप को अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया है? सेल्स पे हुआ, कलेक्शन पे कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं लोग बोल रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खाली ये बताना चाहता हूं, आज आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जाते हैं जिस आदमी के पास, वो है अपना टारगेट पर्सन। हमारा पर्पस है कलेक्ट करना, वो 100% हमारी चड्डी में बम लगाएगा। उसके पास 200 डायलॉग है और उसने पिछले 20 साल में रोज नए नए डायलॉग को प्रैक्टिस किया है और वो हर सेल्समैन के ऊपर वापरता है। मतलब तुम जा रहे हो उसको प्रिंटिंग का कोई माल देने के लिए तो तुम्हारे ऊपर डायलॉग मारता है, मैं जाता हूं ट्रेनिंग का माल देने के लिए वो मेरे ऊपर डायलॉग मारता है, आप कोई और जा रहा पाइप बेचने के लिए वो पाइप बेचने वाले पे डायलॉग मारता है, कोई जा रहा है क्रेडिट कार्ड देने के लिए वो उसके ऊपर मार रहा है, कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए जा रहा है वो उसके ऊपर जा रहा है, कोई इंश्योरेंस बेचने जा रहा है वो उसके। तो कस्टमर ने अपना खुद का जो रिसोर्सेस है ना डायलॉग मारने के और एडवर्स रिएक्शन मारने के, उसने बहुत मजबूत करके रखा है। और हमने उसके पास रिसोर्सेस बहुत अवेलेबल है और उसने नए नए तरीके डेवलप किए हैं हमारे को पैसे नहीं देने का, लेकिन हमने हमारा रिसोर्सेस को डेवलप नहीं किया और हम लोग ट्रैप में फंस गए। इसको बोलते हैं द कलेक्शन ट्रैप। यू नो, हमने कभी दिल से वो डायलॉग नहीं सीखा। इसीलिए आपको स्ट्रेटजी ये करना चाहिए कि आपको अपने रिसोर्सेस को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इन बिल्डिंग रिसोर्सेस टू ब्रेक एवरी ट्रैप। हर ट्रैप को तोड़ने के लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नाउ जिन लोगों ने इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जिन लोगों ने अपने ऊपर ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो लोग लाइफ में सेल्स में तड़पते रहेंगे। सेल्स उनके लिए एक पेन और एक सफरिंग होगा, कभी वो एक प्लेजर नहीं होगा। कलेक्शन उनके लिए एक पेन होगा, एक सफरिंग होगा, एक दुविधा होगी, एक अड़चन होगी, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टकल होगा। कलेक्शन उनके लिए ये उनके लिए पेन और सफरिंग होगा, कलेक्शन उनके लिए प्लेजर कभी नहीं होगा, आनंद कभी नहीं होगा। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने रिसोर्सेस के ऊपर काम करने हैं। तो लोग मेरे को बोलते हैं रिसोर्सेस क्या क्या होता है, व्हाट आर द रिसोर्सेस? सबसे पहला आपका नॉलेज ऑफ सेल्स एंड नॉलेज ऑफ कलेक्शन के ऊपर आपको काम करना चाहिए। आपको एटीट्यूड, कलेक्शन के एटीट्यूड डेवलप करने पड़ेंगे। एटीट्यूड के अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, कलेक्शन की एटीट्यूड डेवलप करनी पड़ेगी। कलेक्शन का स्किल डेवलप करना पड़ेगा आपको, यानी कौशल्य डेवलप करना पड़ेगा, कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी। कलेक्शन की आदतों को डेवलप करनी पड़ेगी और उन आदतों को सीखना पड़ेगा, उन डायलॉग्स को सीखना पड़ेगा और उन डायलॉग्स को मास्टर करते हुए लोगों के ऊपर वापरते हुए ये आदत को डेवलप करनी पड़ेगी। कसम से मैं बोलता हूं, अगर आप ये कर पाए, और आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको माल तो मिल ही जाएगा, किताब, ऑडियो, वीडियो, जो भी है, लेकिन आपकी आदतें अगर आपने बनाई नहीं तो काम नहीं होने वाला। आपको कलेक्शन के लिए स्ट्रेटजीज बनाने पड़ेंगे और वो स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपका रिसोर्स आपका स्ट्रैटेजी है। और ये सभी नॉलेज को, एटीट्यूड को, स्किल को, हैबिट को, स्ट्रैटेजी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग आदमियों को, आदमी की नेचर को समझते हुए, क्या वो डोमिनेंट इंट्रोवर्ट है, डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट है, सबमिसिव इंट्रोवर्ट है, सबमिसिव एक्सट्रोवर्ट है, वो आदमी किस तरह का है, क्या वो डिसीशन मेकर है, क्या वो यूजर है, क्या वो इवेल्युएटर है, वो किस तरह से डिसीशन लेता है, बिजनेस को सोच के डिसीजन लेता है कि फाइनेंस को सोच के डिसीजन लेता है, टेक्निकल चीजों में डिसीजन लेता है, ये सब चीजों को आपको स्टडी करनी पड़ेगी।
एंड आपका रिसोर्स में क्या क्या आएगा, रिसोर्स में आपके थियरम्स आ जाएंगे, जो थियरीज हैं, जैसे मैंने अभी एम इज इक्वल टू ओ माइनस सी, मेस इज इक्वल टू ओ माइनस सी, ऑब्लिगेशन माइनस कमिटमेंट, ये एक थियरी है, ये थियरी आपको आज मैंने बता दिया। आपके पास स्टोरीज होने चाहिए, आपके पास खुद की स्टोरी होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि कस्टमर पहला तुम्हें खरीदता है, उसके बाद तुम्हारा कंपनी खरीदता है, और फिर उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदता है, और तुम्हें देख के अगर उसे लगता है कि तुम्हें हराया जा सकता है तो वो हरा देगा। ये स्टोरी आपकी होनी चाहिए कि मुझे हराया नहीं जा सकता। आपके पास आपका रिसोर्स का मतलब है आपके पास जितने भी किताबें हैं, और इन किताबों को आपने एक एक करके 20-20 30-30 बार पढ़ के उसमें से आपने नोट्स बना के उसके अंदर से आपने डायलॉग बना के आपने 100, 150, 300, 400, 500 आदमी के ऊपर वो डायलॉग को रोज वापरा, और वापरने के बाद उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते हुए आपने ये देखा कि चलती कौन सी डायलॉग है और कौन सी चलती नहीं है, कौन से मारने से आदमी जुड़ता है, कौन से मारने से आदमी पैसा नहीं देता है, आदमी बहाने देता है, और फिर कौन सा डायलॉग मारना पड़ता है। ये सभी चीजें आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो फिर हम बोल सकते हैं कि आपका रिसोर्स में बुक्स भी आ गया। आपका रिसोर्स में आपको जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो आदमी आगे से बोलना चाहिए, जिस आदमी के पास आप जा रहे हैं कि वो नायर साहब आ रहे हैं, लेकिन वो पैसा पहले ही लेगा आपसे, आप पहले ही पैसा दे देना, नहीं तो नायर साहब आपके साथ डील नहीं करेंगे। मार्केट में ये नाम फैला दो, और ये नाम बनने के लिए 20-20 साल लगते हैं। आपके जो डायलॉग्स हैं ये आपका रिसोर्स है। जैसे मेरा डायलॉग है, एक सेल तब तक नहीं होता जब तक कलेक्शन नहीं हुआ, ये मेरा डायलॉग है। और मेरा ये डायलॉग है, मैं बोलता हूं है ना, कस्टमर जब अपनी दर्द भरी दास्ताने बताता है तो सिंपथेटिक नहीं होना है। सिंपथेटिक हो गया, सिंपथी कॉस्ट सेल्स, आपका सेल चला जाएगा अगर आप उसके मार्फत सोचेंगे तो। आपको अपने हिसाब से सोचना है, यू नो। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डायलॉग मारा, टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी, रिजल्ट इज इक्वल टू मनी, ये भी डायलॉग है। आपके डायलॉग्स क्या है, यू नो, तुम्हारी मेरी एक डायलॉग है, तुम्हारी पैसे लेने की चाहत उसकी ना देने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए, ये डायलॉग क्या है आपका। और इस डायलॉग को मजबूत करने के लिए, उसके लिए जो डायलॉग्स मारने हैं कस्टमर के सामने, वो हमारा रिसोर्स है। हमारा रिसोर्स में हमारा मॉडल, जैसे कलेक्शन का एक मॉडल है जिसका नाम है 8x73, ये मॉडल है, ये मॉडल को मैं प्रैक्टिस करता हूं रेगुलरली पैसे लेने के लिए। एक स्मोकिंग आउट ऑफ द हिडन ऑब्जेक्शन, कस्टमर जो है पैसा जानबूझ के नहीं दे रहा है, तो ये चीज को कैसे निकालना है, उसके 6-6 डायलॉग है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, वो मॉडल है। आपके फिलोसफीज, आपकी फिलॉसफी कलेक्शन को लेके क्या है, मेरी फिलॉसफी ये है कि मैं माल नहीं दूंगा और देता हुआ माल को रुका दूंगा अगर पैसे नहीं मिले, ये मेरा फिलॉसफी है लाइफ का। मेरे कुछ आइडियोलॉजीज है, कॉन्सेप्ट्स है, और आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट में मैं पार्ट पेमेंट में बिलीव नहीं करता हूं, ये मेरी आइडियोलॉजी है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, मेरे पास कुछ टूल्स है, मैं फोटोग्राफ्स, मैं ना हर बड़ा चेक का कलर जीरोक्स निकालता हूं और हर कस्टमर को मिलता हूं, ये देखिए बलबीर साहब ने एडवांस दिया, ये देखिए इंद्रपाल जी ने एडवांस दिया, ये देखिए अंकुर ने एडवांस दिया, 25 चेक तो मैं दिखा देता हूं एडवांस पेमेंट का। जब कस्टमर मेरे सामने बैठ के बोलता है कि मैं बाद में आप माल दे दीजिए फिर पैसा दूंगा, तो आपके आपके पास क्या वो 25 चेक के फोटोग्राफ है जहां आपने उठा जो उसके मुंह पे हम मार सके। तो आपके फोटोग्राफ्स आपके रिसोर्स है। आपके पास जो आइडिया है, यू नो, जैसे मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, चिट्ठी कैसे भेजने, कलेक्शन करने के पहले जो चिट्ठी भेजना है, यू नो, अलग अलग टाइप के चिट्ठी कैसे भेजना है कलेक्शन को लेने के लिए, और चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए उसका मेरे पास आइडिया है, वो मेरे रिसोर्स है। कुछ चार्ट्स है, यू नो, जैसे की अकाउंट बड़े कंपनियों में जाके माल लेने के लिए मैं एक चार्ट को फॉलो करता हूँ। यू नो, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सेल्स का स्पैंक को प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, की अकाउंट्स मैनेजमेंट का स्पिन प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये प्रोसेस आपका रिसोर्स है, ये रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस को बिल्ड करिए, ये रिसोर्सेस को बिल्ड करिए, यू नो।
आपके पास ग्राफ्स होने चाहिए, आपके पास NNS होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड, आपके नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। मेरे क्लास में जो पैसा नहीं दिया उसको बिठाते नहीं है, ये मेरा नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड है। तो आपको अपने टेक्निक्स, आपके कहीं सारे टेक्निक्स होंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का जो टेक्निक है, ये टेक्निक्स आपके पास मास्टरी होनी चाहिए, ये आपका रिसोर्स है। आपके पास कहीं डेफिनेशन होने चाहिए, कई डेफिनेशंस होने चाहिए। जैसे आदमी जब पोस्टपोन करता तो पोस्टपोनमेंट के ऊपर मेरे पास 2-4 डायलॉग है, वो डायलॉग में जैसे ही मारता हूं कस्टमर पैसा दे देता है। आपके पास कुछ अजीबोगरीब सिस्टम्स होने चाहिए, ये आपके रिसोर्स है। आपके फॉलोअप के क्या सिस्टम है, ये आपका रिसोर्स है। आपके पास कोट्स होने चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। जैसे इधर मैंने लिख के रखा हुआ, मेरे पीछे पीछे इधर लिख के रखा हुआ है, टू एक्सेल इन कलेक्शन यू नीड टू एक्सेल इन कम्युनिकेशन, टू एक्सेल इन कलेक्शन यू नीड टू बी एक्सेलेंट इन कम्युनिकेशन। कलेक्शन लेने के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल होना चाहिए और आपको अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। आपको फॉर्मुलेस जो है कलेक्शन के फॉर्मूले, जैसे 8/73 बोल के फॉर्मूला है, नेगोशिएशन के फॉर्मूला है, इसको आपको ये करना है। टेलीफोन को हैंडल कैसे करना है, टेलीफोन पे हैंडल करने के पहले कुछ पैटर्न्स है, टेलीफोन पे जाने के पहले कुछ डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे, फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। वो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका एक पैटर्न है, क्या वो पैटर्न आपको मालूम है, क्या आप वो प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपने वो पैटर्न सीखा नहीं, प्रिपरेशन किया नहीं, तो आपके पास वो रिसोर्स भी नहीं है। आपके पास जो टैक्टिक्स है वसूली करने का, वो टैक्टिक्स अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास रिसोर्स नहीं है। आपके पास कलेक्शन की स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। जैसा मेरा एक स्ट्रेटेजी है, कभी भी कस्टमर से मेरे को पैसे लेने होंगे लेकिन देने नहीं होंगे। हमें मेरे को मतलब मेरे पास उसका पैसा पड़ा हुआ है। मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, कस्टमर का पैसा मेरे पास 100 रुपया रहना दिया रहना चाहिए और उसका काम मैंने 50 रुपया किया। मैं 1000 रुपया लेता हूं तो 500 का काम करता हूं, मैं 1 लाख लेता हूं तो 25,000 का काम कर चुका हूं, मैंने 10 लाख रुपया लिया तो 2.5 लाख रुपया का मैंने काम किया। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि मैंने 10 लाख का काम किया और 2.5 लाख रुपया खाली कलेक्ट किया। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, ये मेरा रिसोर्स है। आपका रिसोर्स क्या, मेरे पास बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन है और मैंने कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए 7 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम किए। आपने कितने प्रोग्राम किए उस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, डायलॉग बाजी को इंप्रूव करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन में स्पीड और मस्ती और जुनून लेके आने के लिए आपने कितना रिसोर्सेस को बिल्ड किया। कभी कभी मैं कस्टमर के सामने बैठ के आंख में से आंसू निकाल देता हूं, एक्टिंग करता हूं कस्टमर के सामने, दर्द बताता हूं। दर्द बताने का आपके पास रिसोर्स है और आपका अल्टीमेटली आपका बिलीफ। मेरा ये बिलीफ है कि सबसे ज्यादा टाइम आदमी का वेस्ट हो रहा है रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करने में, सेल्स प्रोड्यूस नहीं करने में और कलेक्शन नहीं करने में सबसे ज्यादा लोगों का टाइम जा रहा है। अभी तक की मेरी बातें अगर आपको समझ में आई तो जस्ट से यस, जस्ट से यस, जस्ट से यस। बहुत बढ़िया, जिमी शाह बोल रहे हैं यस। ये आपको, मैं आपको लाइफ का अगला 50 साल के लिए तैयार कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। आपको मेरी बातों को सीरियसली लेते हुए इन चीजों के ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा। अब इस पे क्या करने से ये सब डेवलप होगा, ये थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। आज मेरा काम था आपको कलेक्शन ट्रैप में हम फंसे क्यों हैं ये एहसास दिलाना, ये अंडरस्टैंडिंग दिलाना। अभी आपको एहसास हो गया, अगर एहसास हो गया, अवेयरनेस हो गया तो लिखिए ए, ए फॉर अवेयरनेस। बोलिए मेरे को अवेयरनेस हो गया, ए, ए फॉर अवेयरनेस। मेरे को समझ में आ गई कि मेरे डायलॉग में शायद कमी है, क्योंकि मैंने अपने डायलॉग जो चलते नहीं है उसी को चला रहा हूं, मैं उसी को वापर रहा हूं। मैंने उस पर कभी कोई काम ही नहीं किया नायर साहब, मैंने कोई भी चीज के ऊपर कॉन्शियसली काम नहीं किया है और मैं इस बात से आज नाराज हूं, अपसेट हूं कि मैंने अपने ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, वो एफर्ट इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया ये अवेयरनेस के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ये सब आपके रिसोर्सेस है, आपके बुक्स, आपके डायलॉग्स, आपके आइडियाज, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके आइडियोलॉजी, आपके टूल्स, आपके फिलॉसफी, आपका कम्युनिकेशन, आपका एक्टिंग, आपका मॉडल, आपका चार्ट, आपका प्रोसेस, आपका ग्राफ, आपका थियरी, आपका टेक्निक, आपका सिस्टम, आपका प्रूफ, आपका चेक्स, आपका फॉर्मूला, आपका पैटर्न, आपका टैक्टिक्स, आपके स्ट्रेटजीज, ये सब आपके रिसोर्सेस है। और टी आर ए पी में अगर देखेंगे, टी है टारगेट पर्सन, जिसके पास हम जाते हैं माल बेचने के लिए, पैसा लेने के लिए, वो हमको देता है एडवर्स रिएक्शन और हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पूरी फौज हमारे पास नहीं है। ये एक एक चीजें हमारी फौज है, ये कुकरी है, ये तलवार है, ये मिसाइल है, ये AK-47 है, और मेन बात समझ लो माई डियर फ्रेंड्स, ये सभी रिसोर्सेस आपको कस्टमर के सामने फोन पे, वीडियो पे, फेस टू फेस में आपको उसके सामने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट विल। मतलब ये डायलॉग आपको वहीं पर काम में आना चाहिए और इसीलिए आपके पास बहुत ही जबरदस्त मेमोरी होना चाहिए, टाइगर का मेमोरी होना चाहिए। मैंने ये सब डायलॉग्स को मास्टर करके रखा हुआ है, ये डायलॉग्स को मैंने याद करके रखा हुआ है। जैसे ही कस्टमर कुछ भी डायलॉग मारता है, उसके सामने सामने 25 डायलॉग मेरे पास है जो मैंने बना के रखे हुए है। सो मुद्दा ये उठता है, वाई शुड यू बिल्ड दीज रिसोर्सेस? आपको ये रिसोर्सेस बिल्ड करने पड़ेंगे, और ये बिल्ड आपको एक दिन के लिए नहीं, अगला 30-40 साल तक, क्योंकि कलेक्शन का प्रॉब्लम 5 साल पहले भी आपका था, 2 साल पहले भी था, 5 महीने पहले भी थे, 5 दिन पहले भी आपके थे। अब ये किधर जाने वाला नहीं है कलेक्शन का प्रॉब्लम, लेकिन हमारे तरीके बदल सकते हैं, हमारा डायलॉग बदल सकता है। और जो आदमी ये सब रिसोर्सेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो हमेशा तड़पता रहेगा, उसका आउटस्टैंडिंग बढ़ता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, और उसे अपने आप से घृणा हो जाएगी, उसे गुस्सा आएगा अपने ऊपर। क्योंकि देखिए, माल आपने दिया टाइम पे, यस और नो? क्वालिटी आपने दिया, यस और नो? आपने जो स्पीड में उसको देना था वो दिया, माल दिया टाइम पे, आपने उसको बिल दिया टाइम पे, आपने जैसा स्पेसिफिकेशन चाहिए था वैसा बना के दिया था, उसको रातों रात माल चाहिए थी हमने दिया, आउट ऑफ द वे जाके डिलीवरी किया, हमने सब कुछ दिया, हमारा माल, हमारा पैसा, और हम ही भिखारी हो गए। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मेरा पैसा, मैं भीख मांग रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट, मैंने टाइम पे दिया, मैंने दिल से बनाया माल, मैंने बढ़िया माल बना के दिया, हाई क्वालिटी का माल बना के दिया, डिलीवरी देने का टाइम के पहले मैंने दिया, उसको जो भी प्रॉब्लम थी इंस्टॉलेशन में मैंने सब कुछ करके दिया, मेरा पैसा और मैं भीख मांग रहा हूं, क्योंकि मेरे को भीख मांगने की आदत लग गई है और मैं इस आदत से अब मजबूत हो गया हूं, मजबूर नहीं हूं मैं, मजबूत हो गया हूं। Why should you build these resources? मुद्दा ये उठता है, because to produce sales and collection results at will, आपकी चाहत के हिसाब से आपको अगर आज पैसा चाहिए तो आज मिलना चाहिए, सेल्स करके मिलना चाहिए, एडवांस में मिलना चाहिए, और सेल होने के बाद आपको टाइम पे मिलना चाहिए, हर टाइम, बार बार, लगातार, एवरी टाइम। तो क्या चीजें हैं जो आपको ये रिसोर्सेस बिल्ड करने में मदद कर सकती है? वेयर विल यू फाइंड दिस रिसोर्सेस? ये जो रिसोर्सेस आपको कहां से मिलेंगे? तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया, आपको रीडिंग ऑफ बुक से मिलेंगे। दूसरा, आप अच्छे अच्छे वेबिनार्स अटेंड करेंगे तो आपको वहां से एजुकेशन मिल सकता है आपके रिसोर्सेस में। फिर बहुत बढ़िया बढ़िया रोल मॉडल, जो आदर्श पुरुष है, उनके संगत में रह के, जो सेल्स के आदर्श पुरुष है उनके संगत में रह के, उनकी महाकलाकारियों को सीखते हुए,
अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हुए आपको ये रिसोर्सेज मिल सकते हैं। फिर वो जो ट्रेनिंग मिला है उसको रोल प्ले करना है। मेरे कंपनी में हम लोग रोल प्ले करते हैं, मैं बोलेंगे आप बनिए सेल्समैन, मैं बनता हूँ कस्टमर और मैं आपको देने वाला हूँ अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्शन, और रोल प्ले करते हैं और हम लोग टीम के साथ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके कस्टमर जो हमको मारने वाला है डायलॉग, ये डायलॉग हम लोग हमारे कंपनी के अंदर बैठ के रूम के अंदर बैठ के ट्रेनिंग रूम में बैठ के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और रोल प्ले करके, और कई महागुरुओं के ऑडियोस को सुन के, कई महागुरुओं के वीडियोस को देखते हुए आप ये रिसोर्सेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्किल है, ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है और ये एक स्किल है। साइंस को सीखना पड़ेगा, आर्ट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और स्किल को आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, How will you build these resources? आप लोग ये resources को कैसे build करेंगे? How will you build these resources? Through a long journey like me, full of pain, sacrifice and struggle, ये resources क्या आप रातों रात build कर सकेंगे? ये resources क्या आप कल सुबह build कर सकेंगे? Yes or no, just बोलिए yes or no। क्या ये कल सुबह डेवलप हो जाएगी ये डायलॉग, ये पैटर्न, ये तरीके, वो फिलॉसफी, ये सब? सब लोग बोल रहे हैं नो, इम्पॉसिबल। कई लोग ने इम्पॉसिबल लिखा, नहीं हो सकता। क्या ये एक शॉर्ट जर्नी है कि लॉन्ग जर्नी है? S for short, L for long। क्या ये शॉर्ट जर्नी है, ये लॉन्ग जर्नी है? ये लॉन्ग जर्नी है। क्या ये रातों रात सीखा जा सकता है? Yes or no। क्या ये रातों रात हम एक रात में सीख लेंगे? यस और नो। सबने लिखा है लॉन्ग जर्नी है और ये रातों रात नहीं होगा। मैं 37 साल सही चीजें करते हुए एक एक किताब की एक एक डायलॉग को लेके मैंने एक एक हजार आदमी के ऊपर वापरा और मैं नतीजे पे पहुंचा, ये साली चलती है। और फिर एक डायलॉग लिया, एक हजार और आदमी के ऊपर वापरा, साली कभी नहीं चली, कभी नहीं, गलती से भी वो डायलॉग चली नहीं। तो मैं समझ गया, बापू नायर, ये डायलॉग तो तुझे नहीं मारना है। तो इसको बोलते हैं मास्टरी ऑफ रिसोर्सेस। मास्टरी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है कि हमें मालूम है। तो मैं वो बहुत लॉन्ग जर्नी में गया, यू नो। तो सवाल ये उठता है कि क्या, कैसे ये रिसोर्स को डेवलप करें, यू नो। हाउ विल यू बिल्ड दिस रिसोर्सेस? Through a long journey like me, क्या लंबा जर्नी में जाके आप सीखेंगे? और ये जर्नी में क्या है, पूरा पेन है, सैक्रिफाइस है, स्ट्रगल है। क्या आप ये लंबा जर्नी लेके सीखने वाले हैं? कुछ लोग चिंतित जो, अरे बाप रे, मतलब अपने को अभी 10-10 20-20 साल सीखना पड़ेगा। अरे वरी मत करो नायर, बेटा है इधर थंडर बोल्ट बैठा है, वरी मत करो, जस्ट वेट, मैं बताता हूं शॉर्टकट में कैसे करना है। If I can say that I can make you learn all these skills in a time span of 1 month, मैं ये कलाकारी आप लोगों को एक महीने में सिखा सकता हूँ, एक डेढ़ दो महीने के अंदर मैं आपको ये कलाकारी सिखा सकता हूँ by investing just a couple of hours every day, रोज थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो ये कलाकारी मैं आपको, रोज अगर थोड़ा सा टाइम आप इन्वेस्ट करने को रेडी है, डेढ़ से दो महीने का टाइम में आप थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, रोज आप हमेशा के लिए, मतलब अगले एक डेढ़ दो महीने में हमेशा के लिए 50 साल के लिए ये कलेक्शन की कलाकारी सीख सकते हो। यानी दो महीने की पढ़ाई और 20-30-40 साल की आपकी प्लेजर। यू नो, इफ आई से दैट आई कैन मेक यू लर्न ऑल दी स्किल्स इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 month जस्ट बाय इन्वेस्टिंग अ कपल ऑफ आवर्स एवरी डे, इफ आई से आई विल पर्सनली गाइड यू, अगर मैं ये बोलू मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा एंड हेल्प करूंगा टू कम आउट ऑफ दिस कलेक्शन ट्रैप, अगर मैं बोलूंगा कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं इस कलेक्शन के चक्रव्यूह से, प्रॉब्लम से, ट्रैप से बाहर निकलने में मैं आपको मदद करूंगा, आर यू रेडी टू कमिट? अगला दो महीना, आधा घंटा, एक घंटा, रोज कमिट
करने के लिए रेडी है? रेडी है तो रेडी है बोलो, आर बोलो, रेडी है तो बोलो रेडी है या यस बोलिए। सब लोग बोल रहे हैं यस यस यस, रेडी रेडी रेडी। कृपाल जी बोल रहे, सुरेंद्र जी बोल रहे, निपुण जी बोल रहे, प्रशांत जी बोल रहे, अनिल जी बोल रहे, जाहिर जी बोल रहे, वहीदा जी बोल रहे, हेमंत जी बोल रहे, दीपक मोरे जी बोल रहे, आलोक गुप्ता जी बोल रहे कि मैं रेडी हूं नायर साहब। अगला दो महीना मैं चाहता हूं कि आप लोग कलेक्शन की मास्टरी करें और आपको एक डेढ़ घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट वो सब करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये आप करेंगे ऐसा तब जाके आपका पूरा। सो आर यू रेडी टू कमिट, मैंने पूछा तो आपने कहा आई एम रेडी टू कमिट। आर यू रेडी टू शिफ्ट योर माइंड सेट विथ मी? आप अपना माइंड सेट को शिफ्ट करने के लिए रेडी है तो जल्दी से बोलिए रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आई नो, आर यू रेडी टू शिफ्ट योर माइंड सेट? सब लोग बोल रहे हैं रेडी है। आर यू रेडी टू कम विथ मी इन दिस जर्नी? क्या मेरे साथ ये जर्नी में आने के लिए रेडी है? तो सब लोग बोल रहे हैं रेडी है, रेडी है, रेडी है। आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ? क्या आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो बोलिए रेडी है, रेडी है, रेडी है, यस यस यस। अमित जी बोल रहे हैं, जाहिर जी बोल रहे हैं, राजीव जी बोल रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो ही काम बनेगा। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तड़पते रह जाएंगे हम लोग। हम लोग मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे, गोल तक कभी नहीं पहुंचेंगे, अपने सपने साकार नहीं होंगे, अपने ड्रीम फुलफिल नहीं होंगे। हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हम हमेशा एंग्री रहेंगे, हम हमेशा अपसेट रहेंगे, हमें धंधा करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि हमारा हक का पैसा कोई आके लेके साला बैठा हुआ अपने गोद में। और वो कस्टमर की गलती नहीं है, वो तो मास्टरी करके बैठा है। तो मैंने पूछा आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ? ये डेढ़ दो महीने में आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? यू नो, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट टाइम, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट एफर्ट्स। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू माय डियर फ्रेंड्स, आई विल शो यू द वे फॉर द ब्यूटीफुल फ्यूचर। मेरी कलीग दीप्ति जी ने आपको कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं, वी विल शो यू द वे फॉर अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। तो पेश करता हूं आपके सामने आपके कलेक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपके कलेक्शन के दुविधाओं से निकलने के लिए, कलेक्शन के चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए, कलेक्शन के ट्रैप से बाहर आने के लिए, मैं पेश करता हूं संतोष नायर्स ऑनलाइन एकेडमी। संतोष नायर ऑनलाइन एकेडमी के अंदर मेरा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम का वीडियोस है। मेरा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम वसूली, रेवोल्यूशनरी जो वसूली प्रोग्राम है उसके वीडियोस हैं। तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि मेरे दो बहुत ही जबरदस्त वीडियोस हैं जिसका नाम है वसूली वन, ऑफलाइन किया हुआ प्रोग्राम, पूरे दिन का प्रोग्राम जो ऑफलाइन में मैंने किया था रोल प्लेस वगैरह के साथ, और मैंने बहुत ही गहरा और ब्यूटीफुल तरीके से रोल प्ले, डायलॉग्स, ये वो सब बताया है। एक ऑफलाइन वीडियो है और एक ऑनलाइन मैंने अभी रिसेंटली प्रोग्राम किया था, पूरा दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम। ये दोनों वसूली के वीडियोस संतोष नायर एकेडमी में मैं आपसे, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लीजिए, इसको इन्वेस्ट कीजिए इसके ऊपर। और इस वीडियो में मैंने वो साइंस बताया है, वो आर्ट बताया है, वो स्किल बताया है ऑफ कलेक्टिंग मनी बिफोर टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम मैंने बताया है। और मैंने ये पूरा जर्नी ऑफ कलेक्शन एक्सीलेंस रिकॉर्ड किया हुआ है इन दो वीडियोस में। पहला वाला वीडियो करीबन 398 मिनट्स का है, यानी कि 6 घंटे और 38 मिनट मैंने बात किए हैं कलेक्शन कैसे करना है, कौन से डायलॉग मारने हैं, कब मारने हैं, किसको मारने हैं, कैसे मारने हैं। दूसरा वीडियो 451 मिनट का, जिसमें 7 घंटे 31 मिनट मैंने बात किए हैं अलग 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 पैटर्न्स कैसे डेवलप करना है, सब मिला के 14 घंटे 9 मिनट के ये वीडियोस हैं। ये 14 घंटे यानी नायर साहब का 37 इयर्स का जूस, कॉन्सेंट्रेटेड जूस बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड फिनॉइल, जिसका एक ढक्कन लेके एक पूरे बाल्टी में डाला जा सकता है, ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड डायलॉग्स
और पूरी कलाकारी मैंने इसमें बताया हुआ है। आपको इन वीडियोस में क्या मिलने वाला है ये मैं अभी बताना चाहता हूं। उसमें आपको ये सभी चीजें मिलेंगे, वो डायलॉग्स, वो टूल्स, वो मॉडल, वो चार्ट, वो ग्राफ, वो थियरीज, वो फिलॉसफी, वो डेफिनेशन, ये सभी चीजें आपको इस वीडियोस में मिलेंगे। ये 14 घंटे 9 मिनट के वीडियोस, ये दो ब्यूटीफुल वीडियोस आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकता है। इस वीडियो में आपका कलेक्शन हेक्सागन को बड़ा करने का प्रयास किया है। इसका मतलब है आपका कलेक्शन का नॉलेज, आपका कलेक्शन के एटीट्यूड को कैसे बिल्ड करना है, कलेक्शन के स्किल को कैसे बिल्ड करना है, कलेक्शन के हैबिट्स को कैसे बिल्ड करना है, कलेक्शन में कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है, ये पूरा लाइव मैंने ब्यूटीफुल वीडियो बनाया हुआ है। आपको क्या मिलेंगे? आपको इन वीडियोस में मिलने वाला है सबसे पहला 8 वसूली के थियरम मिलेंगे, थियरीज मिलेंगे, 8 थियरी मिलेंगे और 8 के 8 थियरी को आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें 7 फॉर्मूले मिलेंगे, आपको 7 फॉर्मूले मिलेंगे, यानी 8 और 7 15 थियरी और 7 फॉर्मूले मिलेंगे जो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। माय 37 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये बताती है कि ये सब थियरी और ये सब फॉर्मूले चलते हैं। अगर आप खुद अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कई हजारों किताब पढ़नी पड़ेगी, सही डायलॉग खुद बनाने पड़ेगी, आपको एक एक बुक का रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एक एक प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, आपको कई वीडियोस देखने पड़ेंगे और उसके बाद आपको खुद के अपने डायलॉग्स बनाने पड़ेंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए वो मेहनत कर लिया है। मतलब 37 साल में क्या डायलॉग कब मारना, कितना मारना, किसको मारना है, कैसे मारना है, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग क्या मारनी है, सब बता दिया है इसके अंदर। ये आपको खुद ही अगर करना होता तो 1,00,000 रुपया का टाइम और इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता। इसमें आपको और क्या मिलेंगे? मैंने वो सब डायलॉग्स बताए हैं जो आपको कस्टमर को फोन पे मारनी है, जो कस्टमर को फोन उठाने के टाइम पे मारनी है, कस्टमर जब रिवर्ट में क्या डायलॉग मारता है, उसके सामने क्या डायलॉग मारनी है। और ये डायलॉग जो है मैंने हजारों पे मापरते हुए और दुनिया की बेहतरीन ग्रेट इंसान लोगों से सीख के उसको प्रैक्टिस करके मार के चलता है ये समझ में आया है, तो मैंने ये पूरा रिसर्च कर दिया। आप भी रिसर्च कर सकते थे, आप भी रिसर्च कर सकते थे। और मजे की बात है, जब लास्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रहा था, मैं जब ये प्रोग्राम ले रहा था, तो हमारे एक कस्टमर जो बैठे हुए थे क्लास में बैठे हैं, 1:27 को उन्होंने प्रोग्राम सुबह शुरू हुई थी, सुबह 9:30 बजे और शाम को 6 बजे तक चली थी प्रोग्राम। और उसमें 1:27 में जितेंद्र बोल के आदमी ने मुझे ये मैसेज भेजा। आप देखिए मैसेज में क्या लिखा हुआ है, मतलब प्रोग्राम शुरू थी, प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम के बीच में उन्होंने ये मेरे को भेजा। उन्होंने कहा, डियर सर, शेयरिंग एन ऑसम एक्सपीरियंस नाउ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वॉज अवॉइडिंग मी टू गिव माई पेमेंट ऑफ 64,000 रुपीज सिंस 1 ईयर। एक साल से 64,000 रुपया ये बीएमसी में काम करने वाली ये लेडी एक साल से मेरे को 64,000 रुपया देने की वादा कर रही थी। रोज मेरे को घुमाती थी, नए नए डायलॉग्स मारती थी। Although she is well to do, और उसके पास पैसा भी है नायर साहब, spending through many credit cards, और वो credit card पे खर्चा भी करती है, but she used to say she does not have the money, और वो हमेशा ये dialogue मारती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। I saw their photographs on Facebook enjoying holidays in luxurious resort, मैंने उनका Facebook में जाके देखा आपके बोलने के हिसाब से, और मैंने लग्जरियस फोटो उनके देखे, और फिर आपके सेमिनार के बीच में आज मैंने, टुडे व्हाइल दिस सेमिनार वाज गोइंग ऑन, जस्ट वन डायलॉग मैंने मारा नायर साहब, जस्ट वन डायलॉग, एंड आई डिलीवर्ड हर। भगवान ने आपको जो दिया है
उसकी थोड़ी बहुत तो इज्जत करो मैडम। भगवान ने जो आपको बरकत दिया, पैसा दिया है, उसकी थोड़ी बहुत इज्जत तो करो मैडम। शी रिलीज द पेमेंट इमीडिएटली। उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट को 64,000 रुपया को रिलीज कर दिया। आदमी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया मेरे प्रोग्राम में? 10,000 रुपए। 64,000 रुपया एक डायलॉग। और उससे क्या कॉन्फिडेंस मिला उसको, उस आदमी को, जितेंद्र जी को, वो कॉन्फिडेंस मिला कि भैया ये नायर साहब ने जो अपने को सुबह से पढ़ा